हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि चैप्टर है कैम एंड फॉलोअर्स का। तो एक क्वेश्चन आपके सामने होगा, इसको कैसे कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है, आपको इसमें सब कुछ मैं बताऊँगा। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि अ कैम टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज फॉलोअर, मीन्स हमारा जो फॉलोअर है वो नाइफ एज फॉलोअर है। ये कॉन्टैक्ट एंड होगा उससे, वो नाइफ एज होगा, ठीक है। ये आपका कैम हो गया और ये आपका फॉलोअर हो गया, ठीक है। तो जो हमारा प्रोफाइल नाइफ एज फॉलोअर के लिए बनेगा, पहला आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ अ कैम रोटेशन, ठीक है। ड्वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, मीन्स जो हम बनाएंगे सबसे पहले तो एक हॉरिजेंटल लाइन हम खींचेंगे ए एक्स, ठीक। वो आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन, 60 डिग्री आउट रोटेशन खींचना है। तो हम कैसे कर रहे हैं, ये लाइन है, इसको हम 360, मान लीजिए 360 एंगल पे मान लेते हैं, 360 एंगल तक आप स्केल पे कुछ भी नाप सकते हो। लाइक ये 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन दिया है, तो अब हम 60 डिग्री को 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं अपनी स्केल पे, ठीक है। और जो ये 12 फॉर द नेक्स्ट 30 कैम रोटेशन दिया है, 30 डिग्री के लिए हम 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 ऑफ द कैम रोटेशन, इसको लिए भी 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। एक हॉरिजेंटल लाइन सबसे पहले खींचेंगे हम, मैं आपको करके बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा 60 डिग्री हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, मीन्स 30 डिग्री मीन्स 3 सेंटीमीटर, और बाकी जो बचेगा हमारा 60 मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो आउट स्ट्रोक मतलब जो हमारा फॉलोअर एक स्ट्रोक कंप्लीट करता है, अब जाता है, तो हमारा 60 डिग्री बना रहा है एंगल, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 60 डिग्री आउट स्ट्रोक, ठीक है। और ड्वेल जो हमारा रेस्ट रेस्ट जो होता है हमारा, ठीक है, जब हमारा फॉलोअर रेस्ट रेस्ट पे होगा तब हम कैसे बनाएंगे। तो 12 फॉर द नेक्स्ट 30, इसको हम बोलेंगे 12, इतना जो है हमारा 3 सेंटीमीटर एरिया है, इतना रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। इसको हम लिखते हैं थीटा नॉट से, इसको लिखते हैं थीटा आर, मतलब मीन्स एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेड बाई आउट स्ट्रोक और ये रिटर्न स्ट्रोक। देन आई क्वेश्चन है, द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ कैम इज 50 mm, मीन्स जो स्ट्रोक ऊपर तक हमारा स्ट्रोक, ये जो आपका कैम प्रोफाइल, ये कैम जो फॉलोअर दिख रहा है, ये जब ये रोटेट करेगा कैम हमारा, तो ये हमारा जो बॉटम सेंटर से ये फॉलोअर हमारा कितना ऊपर तक जा रहा है वो हमारा बता रहा है, ये कहाँ है, 40 mm, ठीक है। एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ कैम इज 50, मतलब ये जो कैम का रेडियस है वो आपका 50 mm है। द फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है, मीन्स जो हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे हम बुक में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अलग हैं, SHM के लिए अलग हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है द फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ द स्ट्रोक आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक, ओके। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम वेयर द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया, एक्सिस ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर का एक्सिस पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, मीन्स ये फॉलोअर का एक्सिस जो है आपका है, ये आपका फॉलोअर का जो एक्सिस है, ये कैम है, ये कैम का एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है। मतलब मीन्स कैम के एक्सिस से पास हो रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे इस फॉर्मेट में। दूसरा है हमारा, द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाई 20 mm फ्रॉम द कैम शाफ्ट। इसका मतलब हुआ कि आपका ये मान लीजिए आपका नाइफ एज का वो फॉलोअर हो गया, और ये आपका हो गया कैम, कैम का सेंटर ये है, ठीक है। ये कैम का एक्सिस और ये है फॉलोअर का एक्सिस, मतलब इसके सेंटर से ये 20 mm इधर बनेगा, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर ऑफसेट, ऑफसेट मतलब अपने पोजीशन से ऑफसेट है बाय 20 20 mm, 20 mm इधर इसका एक्सिस है। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना, ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम तो 360 डिग्री पे, 60 + 30 + 60 + 210 आपका 12 फॉर द रिमेनिंग, जो बाकी बचा हुआ रहेगा वो 12 रहेगा।
बाकी बचा वो जो रहेगा वो ड्रॉयल रहेगा। ड्रॉ करना चालू करते हैं। एक हॉरिजेंटल लाइन सबसे पहले हम बनाएंगे, ठीक है। अपने स्केल पे आप कुछ भी लेके बना सकते हो, जैसे कि मैं हम बनाते हैं आपका, ये लीजिए एक लाइन खींच लेते हैं आपका अप्रॉक्स 16, ठीक है। ये 16 तक का, मैं 16 सेंटीमीटर का लाइन बना लिया हूँ। अब हम स्केल पे, यहाँ पे हम स्केल पे देख रहे हैं 60 डिग्री को, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये 60 डिग्री को हम मान रहे हैं आपका 6 सेंटीमीटर, ओके। और उसके बाद क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। 30 डिग्री को हम मानते हैं अपना 3 सेंटीमीटर, ओके। नाउ फिर 60 डिग्री है 6 सेंटीमीटर, 210 दिया है। ये जो 210 दिया हुआ है, बाकी आपका आगे 21 सेंटीमीटर जो हम करेंगे, इसको आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा आउट स्टॉक बोल रहा है, मतलब थीटा नॉट 6 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ तक का, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। उसके बाद है 30 सेंटीमीटर, ये आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन हो गया। अब ड्वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री, जो रेस्ट होता है हमारा फॉलो, रेस्ट मोशन जिसको ड्वेल बोलते हैं, वो हमारा 30 है। तो यहाँ पे आप इसी लाइन पे 30 डिग्री का मार्क कर लीजिए, हो गया 30 डिग्री का मार्क हो गया। अब फिर उसके बाद है रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ रोटेशन। फिर 60 डिग्री आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया, मार्क देना चाहे तो आप दे सकते हैं 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमने लिया, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा इस फॉर्मेट में है। फिर ये है 30 डिग्री, फिर यहाँ से ये 60 डिग्री यहाँ तक। बाकी जो 210 है, या आप 210 इसको आप कहीं भी उधर बना लें। फिर अगर आप क्वेश्चन देखें तो बोला है हमारा द स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर इज 40 mm, द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm, ठीक है। स्ट्रोक जो हमारा फॉलोअर नीचे से ऊपर जो जाएगा, जब रोटेट करेगा आपका कैम, तब 40 mm ऊपर जाएगा। तो 40 mm ऊपर बना लेते हैं, चलिए यहाँ से 40 mm ऊपर बना लेते हैं। तो आपका ये हो स्ट्रेट लाइन 40 mm, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 40 mm, 40 mm हम ऊपर की तरफ, मीन्स ये 40 mm। अब एक बॉक्स बना लीजिए, तो हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। ये कितना है आपका 40 mm, क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि 40 mm, 40 mm को हम स्केल पे यहाँ ले रहे हैं, 40 mm को, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ओके। तो हम इसको 4 सेंटीमीटर अपवर्ड लाइन खींच लिया, इसको जीरो नाम दे देते हैं। अब क्या करना है नेक्स्ट, ये आपका 60 जो ड्वेल आपका आउट स्ट्रोक क्वेश्चन ने बोला है, ये 60, ये 30, ये 60, इसको आप 60 आउट, हमको मेन काम है आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री जो है आपका, और जो रिटर्न स्ट्रोक 60 डिग्री, ड्वेल रेस्ट इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे सिर्फ आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को लेना है। तो ये हमारा 60 डिग्री इधर हो गया, तो अब इसको इक्वल पार्ट में बांट लें। जैसे कि ये 60 डिग्री है, तो मैं इसको स्केल से 6 पार्ट में बांट सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 पार्ट, ठीक है। अब फिर इधर भी, इसके लिए भी सेम, 1 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे, 6 पार्ट में बांट लिया। अभी ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट, इसको ये क्लोज को, इसको क्लोज कर लेते हैं। बाकी हमको जो 210 ड्वेल है से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है आउट स्ट्रोक थीटा नॉट आउट स्ट्रोक, और ये थीटा आर रिटर्न स्ट्रोक का। अब इक्वल पार्ट में एक लाइन, ऐसे लाइन पूरा सबका खींच लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ करना चालू कर दीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, 5 पार्ट में इसको बांट लिया। आप इसको नंबरिंग कर लें,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सेम इसको, वहाँ ज़ीरो था, यहाँ से 0 डैस 1 डैस 2 डैस 3 डैस 4 डैस 5 डैस 6 डैस ऐसे ले लेंगे, ठीक है, ले लिए हम। अब क्या करना है, अब आपको ये वेलोसिटी डायग्राम बना रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, बोला है हमको यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बनाना है इसके। तो हमने क्या किया, आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन दिया, एक हॉरिजेंटल लाइन ली, 60 डिग्री मीन्स 6 सेंटीमीटर का अगर थीटा नॉट बनाया, और उसके बाद आपका क्या यहाँ क्वेश्चन में दिया है 12 30 12 30 हो गया, ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 हो गया, ना 12 210 210, उसका मतलब नहीं है। मैंने आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक 6 सेंटीमीटर को 6 पार्ट में बांट लिया, इसको भी 6 पार्ट में बांट लिया, ये 4 सेंटीमीटर मीन्स 40 mm जो हमारा स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर, जो नीचे से ऊपर फॉलोअर जब हमारा जाएगा, 40 mm दिया है, तो हम 4 सेंटीमीटर उसको अप कर लिए, उसको दिखा रहे हैं फॉलोअर का कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको एक क्रॉस लाइन यहाँ से ये अपर पार्ट तक मिलाना है आपको, सिमिलरली इधर भी हो गया, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको आप नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं इसको देना दे रहा हूँ ए, ठीक, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच आई जे के एल एम एन, ये हो गया, ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हम अब इसके थ्रू हम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कैम प्रोफाइल अब ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करने जा रहे हैं द एक्सिस ऑफ फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, मीन्स जो हमारा फॉलोअर होगा, नाइफ एज फॉलोअर है कैम के, इसका और इसका एक्सिस जो है कैम का एक्सिस और फॉलोअर का एक्सिस सेम होगा, एक पॉइंट पे मैच होना चाहिए। तो हम बनाते हैं, तो हमारा जो कैम, इस कैम का रेडियस दिया है 50 mm, यहाँ पे दिया हुआ है 50 mm, 50 mm को हम 5 सेंटीमीटर मान के बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, ये सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंपास पे हम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो 50 हमारा जो दिया है 50 mm रेडियस ऑफ कैम, इसको हम मान ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ओके, तो 5 सेंटीमीटर इससे नाप लीजिए, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है, आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। एक्चुअली हम 50 mm जो हमारा कैम का रेडियस दिया है, इसको हम 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम 5 सेंटीमीटर लेंगे तो बड़ा बन जाएगा, आपको वीडियो में देखने में प्रॉब्लम होगी, तो 2.5 सेंटीमीटर लेके बनाते हैं, ओके। तो ये हम 2.5 सेंटीमीटर का एक कैम ड्रॉ किया रेडियस लेके, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट एक्सिस बनाना है आपको एक, ठीक है, बना लिया आप, मींस यहाँ पे आपका फॉलोअर है, तो आप एक फॉलोअर बना लीजिए, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, ये आपका फॉलोअर हो गया, ये आपका कैम प्रोफाइल हो गया। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका, द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, मीन्स ये हमारा हो गया कैम का एक्सिस, ये हो गया फॉलोअर का एक्सिस। कैम कितना है, 50 mm क्वेश्चन ने बोला है, 2.5 सेंटीमीटर मैंने स्केल पे ले लिया उसको, ठीक है, मान ले लिट मान लिया मैंने। अब क्या करना है, इसे मैं ओ पॉइंट नाम दे रहा हूँ, इसे ए पॉइंट नाम दे दे रहा हूँ। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमारा बोला है आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन, आउट स्ट्रोक या फिर आप इसे देखें, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री बनाए हैं, फिर 30, फिर 60। अब हम सिमिलरली इस पे 60 60 डिग्री का नाप लेंगे, प्रोटेक्टर उठाइए, इसे ऐसे रखिए, अब एक 60 डिग्री का मार्क कीजिए,
ये आपका 60 डिग्री का मार्क हो गया। लाइट लाइन दीजिए, ठीक है। अब इस पे, यहाँ मैंने ऐसे नापा 60, अब यहाँ पे रख के आपको 30 डिग्री नापना है। नेक्स्ट 12 था 30, तो 30 डिग्री का मार्क कीजिए। 30 डिग्री आपका ये रहा, एक लाइट लाइन। ठीक है, अब है फिर 60 डिग्री हमारा है, 60 हो गया, 30 हो गया, अब 60। तो आइए देखते हैं, अब इसके 30 डिग्री वाले पे जो लाइन जो मैंने खींचा है, यहाँ से 60, एक लाइट लाइन हो गया। अब क्या करना है आपको, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, जो हमारा ये 60 डिग्री इससे है, मैं अगर आपको मैं यहाँ हल्का लाइन यहाँ बना के, ये 60 हो गया आपका, ये 30 एंड ये 60, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 60 हमारा, ये वर्टिकल प्लेन से जो 60 डिग्री बनाया है, इसको 6 पार्ट में बांट देते हैं। क्यों बांटते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे 60 जो आपने हॉरिजेंटल पे वेलोसिटी डायग्राम में बनाया था, 6 पार्ट में बांटा था, तो इसको भी हम 6 पार्ट में बांट लेते हैं। कैसे हम 6 पार्ट में नापेंगे, इसको वर्टिकल लाइन पे रख लें, ठीक है। ये 60 डिग्री का दिख शो कर रहा है, हम एक एक डिग्री लेके चलेंगे तो ये 60 हो जाएगा। एक जीरो से एक, एक दो तीन चार पाँच और ये 6 पार्ट में हो गया। अब आप इस पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या किया हमने, नाप लिया पूरा, मैंने पूरा नाप लिया, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 पार्ट में बढ़ गया। सिमिलरली जो हमारा इससे, जो इसके बाद ये 30 डिग्री था, इसके बाद ये 60 है, तो यहाँ से जो हमारे 60 डिग्री है, मैंने इसे भी 6 पार्ट में बांट लिया। क्यों बांटा, क्योंकि मैंने यहाँ भी 60 वेलोसिटी डायग्राम में 6 पार्ट में बांटा था। अब क्या करना है आपको, अब मेन पार्ट स्टार्ट अब होता है। अपने वेलोसिटी डायग्राम खोलें, ठीक है। अब आप देखें, ये वन से बी, वन से सी, आपको कंपस से नापना है। तो ये जैसे कि मैंने नाप लिया ये, ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट हमारा 0 है, ये पॉइंट आपका, ये हमने मान लिया 0, ठीक है। और ये हुआ हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो हमने इस डायग्राम में 1 से नापा, ठीक। अब यहाँ 1 पे रखिए आप, एक कट लगाइए, ठीक है। ऐसे ही फिर आप 2 से सी पे, ठीक है, यहाँ पे 2 पे ऐसे ऐसे मैंने पूरा नाप की कंपस से पूरा इस पे जहाँ जहाँ नापना था, 1, 2 से, 3 से, 4 से, पूरा नाप के मैंने इस पे बना दिया। 1 से आपका, 1 से यहाँ बी तक, 2 से ऐसे नाप लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पॉइंट दिया था, 1 से बी मैच कर रहा है, 2 से सी मैच कर रहा है, 3 से डी मैच कर रहा है, तो आप नाम दे दीजिए। इसे ये ए हो गया आपका, ये आपका बी सी डी ई एफ जी। सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही नापना है, जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, और ये आपका एन हो गया, ओके। अब क्या करना है, अब आपको ये 0 से, जो आपका ये 0 से पॉइंट था, आपने जिसे 0, 1, 2 मारा था ए से, अब आप सिंपली इसको मैच कर दीजिए। ये आपका कैम प्रोफाइल पहले क्लिक कंप्लीट हो गया। द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, फॉलोअर का एक्सिस और कैम का एक्सिस जो था उससे पास हो रहा है। तो हमारा ये कैम प्रोफाइल कंप्लीट हो गया।
पहले वाले के लिए। अब हम करेंगे द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट बाई 20 mm फ्रॉम द कैम्प शाफ्ट।